बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोगों ने ये क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी नोटबुक पे नोट किए हैं। ये तीन क्वेश्चंस जो हैं ये आपको नहीं लिखवाए गए नोटबुक पे, ये आप अपनी बुक पे नोट कर लें, ठीक है। इलाज के तौर तरीकों में तब्दीली का क्या असर हो रहा है कि इलाज के तौर तरीकों की वजह से जो नागहानी अमवात थी उन पर काबू पा लिया गया है। आगे दूसरा सवाल है, खून की आलूदगी का क्या नतीजा निकलता है कि खून की आलूदगी की वजह से कई बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। कुदरती माहौल पर तरक्की की रफ़्तार के क्या असरात पड़ते हैं, ठीक है। तरक्की जो है वो दिन ब दिन हो रही है, तो इसकी वजह से कुदरती माहौल जो है वो आलूदा हो रहा है, ठीक है, या फिज़ा आलूदा हो रही है। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने ये एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा लिखाई की महारत में सवाल नंबर एक है, आलूदगी में इजाफे के क्या असबाब हैं, तफसील से लिखें, ठीक है। असबाब वजूहात क्या हैं, हम आलूदगी से किस तरह महफूज रह सकते हैं, कम अज़ कम 5 तदाबीर लिखें। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वायद की जमा और जमा के वायद लिखें, ये भी आपने करना है। मुजक्कर मुअन्नस अलग अलग करें, ये वाला क्वेश्चन। मुहावरे और ज़रबल मिसल में फ़र्क तहरीर करें, ठीक है। मुहावरा और ज़रबल मिसल दोनों हमने पढ़ लिए, इनमें फ़र्क तहरीर करें। लुगत की मदद से मदरजा ज़ैल के बारे में तहरीर करें कि मुहावरा है या ज़रबल मिसल। ये आप लोग जो आपके अलग से दस्ता है ना, जिसके ऊपर लिखाई की महारत और तख्लीकी काविश वगैरह के लिए आपको कहा था कि वो बनाएं, उसके ऊपर आप लोगों ने ये लिखने हैं, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चंस, ठीक है, ये आप अपनी बुक पे जो है वो सॉल्व करके मुझे सेंड कर दें।